नमस्कार, केवीपी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्याल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों से। विदिशा के करारिया गांव में विवेक वियर हाउस पर 27 वर्षीय मोनू अहिरवार के ऊपर बोरिया गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन व उसके साथी करारिया थाने पहुंचे, जहां उनकी सुनवाई नहीं होने पर नाराज परिजनों ने करारिया चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही विदिशा ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त तहसीलदार के एन ओझा मौके पर पहुंचे और समझाइश दी। बता दें, मृतक मोनू के साथियों का कहना है कि वेयर हाउस की लापरवाही के कारण ही यहां हादसा हुआ है। एक मजदूर जो वेयर हाउस में काम करता था वो घायल हो गया था, तो उसको भोपाल लेके गए, वहाँ उसकी मृत्यु होगी इलाज के दौरान। तो उनके परिवारजन बहुत गरीब हैं, तो वो यहाँ पे सहायता राशि चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से और वेयर हाउस से मदद मिले, इस कारण उन्होंने चक्का जाम किया था। उनकी बात हमने सुन ली है और पटवारी को मैंने मौके पर बुलवाया। अभी मैं खुद पटवारी हम पूरे तथ्यों की जाँच करेंगे वेयर हाउस जाके, किन परिस्थितियों में कैसे घटना घटी और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत राशि मिलती है सरकार से भी और जहाँ से भी कैसे मिलेगी, पूरी इनकी हम मदद करेंगे। मैं भी वेयर हाउस में ही काम करता हूँ, हम माली का काम करता हूँ। जो घटना घटित हुई है क्या हुई है और किसके साथ हुई? ये हमारे करारिया का लड़का है, इसका मोनू नाम है और इनके पिता का जो एक लौता ही वारिस था। इसके दो छोटे बाल बच्चे हैं और दो एक इनके माँ बाप है, साथ में इनकी बहन है जिनकी शादी होने वाली है और एक ही ये जे थे जो इनका घर परिवार चलाते थे। बेबिक पे वेयर हाउस पे गए थे, सरकारी रेख थी गेहूँ की उसको भरने के लिए। बेबिक वेयर हाउस है वो, उस पे से बोरी फिसली। घटना क्या घटी? बोरी फिसली है, स्टेक फट गया।